इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने राज्य के अधिकारियों को मॉडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले दो पहिया वाहनों पर नकेल कसने का निर्देश दे दिया है। अदालत ने अधिकारियों से ऐसी बाइकों के मालिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सुनवाई की और अगली तारीख तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। बता दें, न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित किया है जिसमें भारतीय और विदेशी निर्मित दो पहिया वाहनों में साइलेंसर के मॉडिफिकेशन के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण का खुद ही संज्ञान लेते हुए 80 डेसिबल की अनुमेय सीमा से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। मामले को एक जनहित याचिका के रूप में मानने और इसके एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति मोइन ने प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया है। साथ ही लखनऊ की यातायात बेंच को 10 अगस्त तक अनुपालन का अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। तो बता दें, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, अब जो है यातायात नियमों का पालन पुलिस को कराना होगा वरना कार्रवाई होगी। मॉडिफिकेशन बाइक के जो साइलेंसर हैं अगर वो ध्वनि प्रदूषण फैलाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लखनऊ पुलिस को भी ये कहा गया है कि वो 10 अगस्त तक इस पूरे मामले में हलफनामा दायर करें, हलफनामा दें कि जिसके बाद से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये यातायात नियमों को लोगों से फॉलो कराया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है, अब जो भी बाइक साइलेंसर के थ्रू ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाएगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नमस्कार, आदाब आप सभी क्षेत्रवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए और इसी तरह हम सब लोग इस देश की संविधान के रूप में एकत्रित होकर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनाकर गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखते हुए इसी तरह इन पावन त्योहारों को साथ मिलकर मनाएंगे। और ऐसे लोगों को जो जात पात के नाम पर हम लोगों को बांटते हैं उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।